हाँ वो देखता है कि लोहे की दुकान है वहां पर, चिमटा देखता है, वो सोचने लगता है। बाकी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के किसी के बारे में सोच नहीं रहा, ये हामिद ही है जो अपनी दादी अमीना के लिए कुछ सोच रहा है। लोहे की दुकान देखता है, वहां पर चिमटा पड़ा हुआ है, वो सोचता है कि मेरी दादी जब भी रोती या बनाती है तो वो जल जाती है, उसकी उंगलियां जल जाती है, तो उसके लिए वो अभी सोच रहा है। अगर ये वह चिमटा से चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, ये तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। वो बात सही है कि कुछ ही टाइम के लिए वो खिलौना खुशी देता है, फिर पूरे टाइम उसका यूज नहीं होता, वो हामिद सोच रहा है वैसा। या फिर घर पहुंचते पहुंचते कूट 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 कर बर्बाद हो जाएंगे, चिंता कितने कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला देती है, चिमटा लिया हुआ है तो उसका यूज होता है हर जगह पे, वो बताया है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, सभी पर शरबत पी रहे थे, जहाँ पर शरबत का सब चीजें रखी थी वहां पर शरबत पी रहे हैं सब बच्चे। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली मुझे किसी ने एक भी ना दी। हामिद बोलता है कि कितने लालची है सबके साथ, उसको थोड़ा सा भी नहीं दिया। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो, अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, थोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चतोली हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। देखो हामिद अपनी अलग अलग अपनी तरह से अपने बारे में सोचता रहता है, और उनके दोस्त लोग हैं अभी वहां पर रुक नहीं रहे, आगे बढ़ गए हैं। तो यहाँ प्रेमचंद जी ने उनके हामिद के स्वभाव की बात की है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता ना। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने उसकी खुददारी दिखाई है। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, निराश हो जाना, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ, ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। अभी हामिद उसके साथ जो बातचीत कर रहा है उसमें वो पैसा के लेन देन की बात कर रहा है, उसने बोला कि पैसा 6 पैसा लगेगा, आपको लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। ये कौन बोलता है, दुकानदार। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। उसने लास्ट में बोल दिया प्राइस के 3 पैसा लोगे, और वैसा बोलकर हामिद आगे बढ़ने लगा। क्यों, आके वो दुकानदार उसको डांटेगा, आके उसने 6 पैसे बोले हैं। बोला लेकिन दुकानदार ने घुड़े क्या नहीं की, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ सर्दियों के पास गया। मोहसिन ने हंस कर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। उसने 3 पैसे में वो दुकानदार राजी हो गया और उसको चिमटा दे दिया। वो बहुत खुशी से आगे बढ़ गया और दोस्तों के साथ गया, लेकिन वहाँ पर जैसे गया वैसा मोहसिन जो उसका दोस्त है लड़का, उसने बोला कि ये चिमटा क्यों लाया। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिस्किट तो जमीन पर गिराओ, सारी फसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। हामिद ने तुरंत उसको जैसे वो मोहसिन ने बोला वैसे चिमटा जमीन पर फेंक दिया, तो चिमटे का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि लोहे का है। तो उसने बोला कि अभी तूने बिस्ती लिया है तो जमीन पर डाल दे, क्यों, क्योंकि वो खिलौना है टूट जाएगा। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है, तो हामिद ने अभी खिलौने के बारे में बताता है खिलौना क्यों नहीं है। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहो तो इसे मंजरे का काम ले सकता हूँ, यह चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौनों कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे के बाल भी बांका नहीं कर सकते, बहादुर शेर है मेरा चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, दो आने की है।
ये सब बातें सारे दोस्तों ने सुनी। तो उसमें से सम्मी करके वो लड़का था, उसने बोला उसने खंजरी ली थी, तो वो ये हामिद की बातों से बहुत प्रभावित हो गया और उसने बोला कि हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला मेरा चिमटा चाहो तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। अभी ये हामिद है, वो सारे जो बच्चों ने खिलौना लिया है उनका क्या कमजोरी है, कितना फायदेमंद है, कितना काम में आएगा, इन सब के बारे में हामिद सारे बच्चों को बोलता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया। इन सब बातों से सारे बच्चे एकदम खुश हो गए, आकर्षित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, अभी मेले में से बहुत दूर निकल गए हैं सारे बच्चे, सारे लोग, और उनके पास अभी पैसे भी नहीं है। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जीत करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे हैं और उन्हें तीन चार आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने तीन पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों, हमेशा चलता रहेगा, खिलौना तो कुछ दिनों के बाद टूट जाता है। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। इतने खूबसूरत खिलौने थे, सब लोगों ने उसकी, हामिद ने जो प्रशंसा की उसी से वो आकर्षित हो गए और सब ने रास्ते में सब ने सारे खिलौने जो जो लिए थे वो हामिद को दिए थोड़ी देर के लिए, और हामिद ने सबको चिपटा दिया और वो लोग आगे बढ़ते गए। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। अभी का जो बाकी का है वो हम आगे लर्न करेंगे।